गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सी एसिड्स में तीसरा वाला जो एसिड है, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, उसके बारे में देख रहे थे और उसका प्रिपरेशन हम लोग खत्म कर चुके थे। ठीक है, तो यही पिछले क्लास वाला जो आपके सामने नजर आ रहा है, सारा कुछ लिखा हुआ। ठीक है, ये देखें सारा कुछ हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह कैसे, मोनोबेसिक डाई बेसिक जो था वो सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, ये सब पिछले क्लास का। तो हाइड्रोलिसिस से भी किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था, ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। देन उसके बाद फिर जो है आगे जो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है इसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कई का मिलता जुलता आपको मतलब कि नजर आएगा, एक पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि किस तरीके से उसका एक्शन विथ एयर, एक्शन विथ वाटर, ठीक है, कुछ स्पेशल सॉल्ट के साथ उसका जो एक्शन है वो सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक, हम जब देखेंगे इसको पढ़ेंगे तो एक पैटर्न आपको मिलेगा, उससे आपको मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा कि कैसे इसको याद करना। ठीक है, और रिएक्शंस तो याद ही करने, ये तो अटल सत्य ही। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ कुछ पैटर्न जो है वो आपको समझ में आएगा, जिससे आसानी हो जाएगा याद करने में, और कुछ हम आपका मदद कर दें। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ अभी स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज आएगा वो बोलता है इट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, डेलिक्विसेंट, डेलिक्विसेंट, ठीक है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका वो अप्रोक्स 42, ठीक है, 42.3 डिग्री सी ऐसा होता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ओके। उसके बाद दूसरा और एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, इज दैट क्लियर। दूसरा प्रॉपर्टी पे यदि हम जाएं तो वो क्या बोल रहा है, एक्शन ऑफ हीट हम लोग देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट एक तरह से इसको कहते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ हीट, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट, तो क्या है भाई ये एक्शन ऑफ हीट, इसमें कुछ नहीं कर देते हैं, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, लैंग्वेज भी अब लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन हीटिंग 250 डिग्री सी, 250 डिग्री सी, इट गिव्स, ये क्या देता है अपने को, इट गिव्स पायरोफॉस्फोरिक, हाँ जी साक्षी, ये हटा दीजिए, साक्षी आपका नाम भी आता है यहाँ पे, इसको हटाइए, जल्दी से डिलीट कीजिए, इसको मिटाइए, देखिए रबर होगा, ठीक है, इरेजर होगा, जल्दी से मिटाइए इसको, साक्षी इरेजर, यहाँ जो मेरा नजर आ रहा है आपके स्क्रीन पे उसको टच करके जल्दी से हटाइए इसको, आपसे ही ये हटेगा, हमसे नहीं हटेगा। ठीक है, इट गिव्स पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, मिटाइए जल्दी, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड देता है। रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2H3P4, और कितना पे हीट कर रहे हैं अभी लिखे हैं 250 डिग्री सी, ठीक है, माइनस हम लोग कर देते हैं यहाँ से, वाटर, आप वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, H4P2O7, ठीक है, H4P2O7, और फिर से इसको हीट यदि हम लोग कर देते हैं 600 डिग्री सी पे, ठीक है, फिर से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 2H3PO3 ये बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि 2H3PO4 है, ठीक
है, और उसको हीट करते हैं डायरेक्ट हम लोग कितने पे, 600 डिग्री सी पे। तो 600 डिग्री सी पे हीट करने के बाद डायरेक्ट आपको मिल जाएगा H2O3, और साथ ही साथ क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि ये साक्षी यदि आप हैं तो इसको जल्दी से हटा दीजिए। साक्षी, साक्षी आवाज जा रहा है मेरा आपको, इसको इरेज कीजिए, हटाइए जल्दी इससे यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे, नहीं तो ये रहेगा। साक्षी, सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो इरेजर होगा, इरेजर होगा, इरेजर है ना यहाँ पे, इरेजर जो नजर आ रहा है उससे करो, होगा। हाँ मतलब कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है। देखो तो करके टच तो करो एक बार, मेरे से तो नहीं होगा, ये तुमसे ही होगा क्योंकि तुम लिखी हो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं। अच्छा ठीक है। और ध्यान में रखना कि यदि हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग हीट करें, ठीक है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यदि हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर दें H3PO4 को, इट फॉर्म्स, ठीक है, फॉस्फोरस एस, फॉस्फोरस ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस, ठीक है, पेंटाऑक्साइड, ये बनाता है, यानी कि रिएक्शन 4H3PO4 का रिएक्शन जब हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये P4O10, और साथ ही साथ ये बनेगा 6H2O में, ये रिएक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग हीट वाला है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि जब स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं तब अपने साथ क्या हो रहा है, ये वाला चीज, ठीक। उसके बाद तीसरा करेंगे, थर्ड वाला जो है वो क्या है आपका, एसिडिक नेचर प्रॉपर्टीज में ही अगला हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर में क्या है भाई, एसिडिक नेचर में तो जाहिर सी बात है इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि यदि हम लोग ये बात करेंगे, स्ट्रक्चर बताए थे ना H3PO4 का कैसा था स्ट्रक्चर, देखिए एक बार फिर से बताते हैं, तो वो एसिडिक नेचर समझ में आ जाएगा। ये है पी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और ये क्या था, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, और यहाँ भी OH के इस तरीके से था, ठीक है, यानी कि सब POH बॉन्ड है, ये PH बॉन्ड नहीं है। तो पीएच बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ये सबके सब क्या है आपके एसिडिक, सबके सब क्या है एसिडिक, तो यहाँ से ये भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ से ये भी हाइड्रोजन, सबका सब जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये ट्राई बेसिक एसिड है, क्या है ये, ट्राई बेसिक एसिड, तो क्या लिख सकते हैं, इट इज ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है, इट इज ट्राई, ट्राई बेसिक एसिड, ये ट्राई बेसिक एसिड है, ठीक है। इट फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इट फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इट फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट, इज दैट क्लियर, ये चीज यहाँ पे आया। अब उसके बाद जो है, 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट का मतलब कि 3 तरह का सॉल्ट इसमें बन सकता है, एक एक बार एक हाइड्रोजन निकालो तो एक सॉल्ट बनेगा, फिर दूसरे बार दूसरा हाइड्रोजन निकालो दूसरा सॉल्ट, तीसरे बार तीसरा भी निकाल दो तो अलग तीसरा सॉल्ट बन जाएगा, कैसे, ये है आपका H3PO4। अब यहाँ पे करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, H2PO4, ठीक है, ये बन जाएगा, ये बेसिकली प्राइमरी सॉल्ट आपको नजर आएगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, H+, ठीक। अब यहाँ से फिर से इसमें से एक H+ निकाल दो इसी में से, तो ये क्या बन जाएगा, HPO4, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस टू,
ये हो जाएगा माइनस टू, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे एच प्लस, ठीक, ये आपको नजर आएगा। उसके बाद फिर से यदि हम लोग क्या करें, फिर से यदि हम लोग इससे एच प्लस निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा पी ओ फोर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा पी ओ फोर माइनस थ्री, और साथ ही साथ फिर से बन जाएगा एच प्लस, और एक एच प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका नजर आएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन ये भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम 2H भी ले सकते हैं। और इसका एसिड, इसका सॉल्ट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, इसका ये जो सॉल्ट है आपको देखने को क्या मिलेगा, मिल सकता है Na(H)2PO4, ऐसा Na(H)2PO4, ठीक है। इसका क्या मिल सकता है Na2, क्योंकि सोडियम एक प्लस चार्ज होता है, तो दो माइनस आया तो दो Na आ गया, HPO4 ये मिल सकता है, ठीक है। इसका क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा Na3PO4, ये इस तरीके से सॉल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम सॉल्ट, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम सॉल्ट, ठीक। चौथा है अपने पास फोर्थ एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम सॉल्ट, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम सॉल्ट। तो ये क्या है भाई, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सॉल्ट का देखेंगे, ठीक है, प्राइमरी सॉल्ट ए ए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या अपना ए आ गया, ए में हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी सॉल्ट, ठीक है, प्राइमरी सॉल्ट जो है, ठीक है, प्राइमरी सॉल्ट किसको कहें, जो एक एक हाइड्रोजन जब निकला हुआ था तब, तो एक हाइड्रोजन जब निकला हुआ था तो क्या हुआ था, एक सोडियम लग गया था Na, ठीक है, H2PO4 यही होगा ना। अब सेकेंडरी क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन हट जाएंगे तो N2 लग जाएगा, जो ऊपर में अभी हम लोग देखते हैं जस्ट अभी, ठीक है। तो इसको यदि गिब्स ये क्या देगा, इट गिब्स, ठीक है, अ सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, अ सॉल्ट ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये चीज आपको मिलेगा। यानी कि यदि हम लोग हीट करते हैं इसके, सोडियम, एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट को हीट करते हैं, तो तीन सॉल्ट बना था ऊपर में ही देखे थे, तो पहला प्राइमरी सॉल्ट को हीट करते हैं तब क्या बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगा ये, तो रिएक्शन 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 कुछ ऐसा होगा, Na(NaH)2PO4, ठीक है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड इसको कहेंगे, ठीक है। अब ये हीट होगा, ठीक है, क्या होगा, हीट हीट होगा, तो ये क्या बन जाएगा Na(PO3), और साथ ही साथ क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर, ये सोडियम मेटाफॉस्फेट इसको कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम दो हाइड्रोजन है ना, डाइहाइड्रोजन और ये फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट, ठीक है। और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटा फॉस्फेट ये इसका नाम हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये आपका बनता है। वही यदि हम लोग सेकेंड वाला बात करें, ठीक है, बी की यदि हम बात करें, बी वाला, तो बी यानी सेकेंडरी, सेकेंडरी सॉल्ट, तो सेकेंडरी सॉल्ट में क्या हो जाएगा, दो Na आ जाएंगे, ठीक है, Na2 और एक H और गायब हो जाएगा, और ये PO4, ठीक, गिब्स सॉल्ट ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, गिब्स, ठीक है, गिब्स सॉल्ट ऑफ पायरो ऑफ है पायरो फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ये, ठीक है।
अब इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? इसका रिएक्शन होगा भाई ये अपना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Na2H, ये बैलेंस करने के लिए लगाए हैं PO4, ठीक है, और इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा Na4, ठीक है, P2O7, ठीक है, P2O7, और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में इस तरीके से? तो ये आपको देखने को मिल रहा है, और यही आपका क्या होगा, सोडियम पायरोफॉस्फेट का नाम होगा, सोडियम पायरोफॉस्फेट। सोडियम पायरोफॉस्फेट ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला हम लोग देखें, ठीक है, नॉर्मल और टर्शरी सॉल्ट रिमेन अनएफेक्टेड। ध्यान में रखना है यहाँ पे कि नॉर्मल, ठीक है, तीसरा लिख देते हैं नॉर्मल, नॉर्मल एंड टर्शरी टर्शरी सॉल्ट अनएफेक्टेड, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। डबल सॉल्ट कंटेनिंग NH4 और डी वाले में क्या आ जाएगा कि सॉल्युबल सॉल्ट कंटेनिंग कंटेनिंग NH4 plus decomposes as, ठीक है, कैसे डिकम्पोज कर रहा है, तो वो ऐसा है रिएक्शन, ठीक है, क्या होगा NaNH4.HPO4, ठीक है, और इसको हम लोग हीट करेंगे, डबल सॉल्ट है, पढ़ चुके हैं, ठीक, ये क्या हो जाएगा NaPO3, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा NH3, और साथ ही साथ बनेगा यहाँ पे वाटर, ये होगा। अगला यदि हम इधर देखें तो ये होगा 2Mg, ठीक है, 2MgNH4, ठीक है, .PO4 हीट करने पे जो है, ठीक है, जस्ट देख रहे हैं PO4 यहाँ Na के साथ चला गया PO4, तो Mg किसके साथ चला जाएगा, PO4 के साथ, यानी क्या बन जाएगा Mg2, ठीक है, P2O7, यहाँ पे ये बनता है P2O7 प्लस 2NH3, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसलिए सब बैलेंस करना पड़ेगा, 2NH3, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा ये वाटर। इस तरीके से जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये किसके साथ हम लोग पूरा देखें, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम सॉल्ट के साथ देखें। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, अब जो देखने जा रहे हैं वो रिएक्शन विथ BaCl2 होगा, ठीक है, अगला यानी कि पांचवा, ठीक है, रिएक्शन विथ BaCl2, ठीक है, रिएक्शन विथ BaCl2, ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, तो 3H3PO4, ठीक है, और साथ ही साथ हो जाएगा 3BaCl2, ठीक है, और ये आपका
न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में इसको रखना है, न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम मीडियम में रखना है, और इससे बनेगा क्या ये Ba3, ठीक है, PO4 का होल ट्वाइस, और ये आपका बनेगा बेरियम फॉस्फेट, और चूंकि बेरियम आयन है तो बेरियम याद है वाइट पीपीटी देता है, रखना बेरियम सल्फेट भी वाइट पीपीटी, बेरियम फॉस्फेट भी क्या देगा वाइट पीपीटी, बेरियम फॉस्फेट वाइट पीपीटी देगा, ठीक है, बेरियम बेरियम फॉस्फेट फॉस्फेट ये क्या रहता है आपका वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी देगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा 6HCl, ठीक है 6HCl। अब अगला हम लोग देख रहे हैं सिक्स वाला जो है रिएक्शन विथ AgNO3, रिएक्शन विथ विथ AgNO3, ठीक है AgNO3 के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो जब भी हम लोग H3PO4 को लेते हैं, ठीक है, और रिएक्शन करवा देते हैं 3Ag, ठीक है AgNO3 के साथ, तो जो बनता है वो बनेगा Ag3NO, Ag3PO4 NO का Ag3PO4, और ये भी पीपीटी बनेगा सिल्वर, और ये जो पीपीटी बनेगा वो येलो पीपीटी बनता है, ठीक है सिल्वर फॉस्फेट ध्यान में रखना है, नाम क्या होगा सिल्वर फॉस्फेट फॉस्फेट, ठीक है, और ये बनता है येलो येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ठीक है 3HNO3 ये बन गया, ठीक है। अब देखेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम सॉल्ट, अगला, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 7th नंबर, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि H3PO4, ठीक है, प्लस MgSO4 प्लस NH4Cl, ठीक है, और यहाँ पे MgNH4 ये बनेगा और PO4 ये फिर से उसी तरीके से ये भी वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, ध्यान में रखना ये भी क्या फॉर्मेशन करेगा वाइट पीपीटी का, मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट इसको कहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम एमोनियम अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, ये कहा जाता है, और ये बेसिकली कैसा है वाइट पीपीटी बना है, ये बनता है वाइट पीपीटी, ठीक है, ये हो गया, और इसमें जो है इट इज टेस्ट ऑफ Mg+2 आयन, ये भी ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ यहाँ पे बनता है H2SO4, ठीक है, और प्लस HCl, और ये इम्पोर्टेंट भी है, VVI भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ध्यान में रखेंगे इट इज टेस्ट ऑफ Mg+2 आयन, ठीक है, इट इज टेस्ट ऑफ
टेस्ट ऑफ Mg प्लस टू आयन, तो ये पूरा का पूरा ध्यान में रखना, ठीक है, कि ये टेस्ट है Mg प्लस टू आयन का। चलिए आगे बढ़ते हैं एट की तरफ। एट वाला क्या बोलता है, रिएक्शन विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन, रिएक्शन विथ ब्रोमीन जस्ट ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक है, रिएक्शन विथ ब्रोमीन ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ये। ठीक है, इसमें अब क्या है, तो H3PO4 प्लस 3NaBr, ठीक है, और ये रिएक्शन करके बनेगा Na3PO4 और साथ ही साथ 3HBr ये बनता है। ठीक है, अगला रिएक्शन H3PO4 का रिएक्शन 3NaI सेम पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये भी बनेगा Na3, ठीक है, PO4 प्लस क्या बनेगा 3Si सेम पैटर्न। ठीक है, अगला जो हम लोग देखेंगे नाइन्थ नंबर, वो क्या बताता है, वो है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या है भाई, तो इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड अमोनियम मोलिबेट, ठीक है, मोलिबडेट, ठीक है, मोलिबडेट वो जो मेटल है, ठीक है, इट गिव्स, ठीक है, अ कैनरी येलो प्रेसिपिटेट ऑफ अ कैनरी येलो प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फो फॉस्फो मोलिबेडेट
ये मिलता है, ठीक है। और ये जो है ये टेस्ट ऑफ, ये क्या है ये भी नोट करके लिखेंगे, क्या है भाई? तो ये भी जो है अ टेस्ट ऑफ, इट इज अ टेस्ट ऑफ PO4-3 आयन, याद रहेगा ये टेस्ट है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन में जो है वो पूछता भी है। टेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से टेस्ट जो है अपने आप को कवर करना है, ठीक। अब आगे यदि हम लोग जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं क्या है, वो भी जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान में रखने में आसानी हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, H3PO4+21HNO3, ठीक है, +12NH4 का होल 2 MO मोनोबेडेलियम जो होता है MO4, ठीक है। और ये आपका देगा, इट गिव्स NH4 का होल 3PO4.12 MOO3, ठीक, और +21NH4NO3.12H, ये आपका आता है, ठीक है। अमोनियम फॉस्फो मोलिबडेट यही है, ठीक है, अमोनियम फॉस्फो मोलिबडेट यही वाला है, इसी का नाम, ठीक है, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम फॉस्फो मोलिबडे बडेट यही, ठीक है, इसी का नाम। और इसका यूजेज यदि हम देखें, यूजेज, ठीक है, यूजेज में क्या बोलता है कि सबसे पहला यूज जो है वो बोलता है कि इट इज प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, इट इज यूज्ड इन इन प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, HPO3, ठीक है, H2P2O7, ठीक है, HBr HI ETC, ठीक है। और दूसरा होता है स्टेबिलाइजर, ठीक है, यूज्ड एज अ स्टेबिलाइजर, स्टेबिलाइज करता है, ठीक है, स्टेबिलाइजर और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए स्टेबिलाइजर के तौर पे काम करता है, अंडरस्टूड। इतने सारे इसके यूज आ गए और सारा कुछ जो प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा लंबा था लेकिन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब हम लोग सबसे ज्यादा लंबा यही वाला है, ठीक है, इसी का सारा कुछ यदि आप देखना चाहें एक बार पूरा जो हम लोग किए हैं, ये देखो पूरा सारा का सारा। और प्रॉपर्टीज से चालू करेंगे, प्रॉपर्टीज ये तो आज से चालू हुआ प्रॉपर्टीज से, और प्रिपरेशन से चालू करेंगे उसका, ठीक है, यहाँ से तीसरा वाला H3PO4, देख रहे हो, प्रिपरेशन के साथ पूरा, प्रिपरेशन भी इसका काफ़ी ज़्यादा था, प्रॉपर्टीज भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसका अपने को देखने को मिला, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, फोर्थ वाला जो अपना एसिड है, ऑक्सी एसिड से वो, ठीक है, यानी कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड या फिर डाई फॉस्फोरिक एसिड भी इसको कहते हैं, क्या, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई फॉस्फोरिक एसिड,
डाई फॉस्फोरिक, डाई फॉस्फोरिक क्यों, फॉस्फोरस दो है इसमें, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ये हो गया। स्ट्रक्चर तो बताया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4P2O7, ठीक है स्ट्रक्चर तो बताए थे ना, स्ट्रक्चर H2P2O7, स्ट्रक्चर एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है H2P2O7, ठीक है H4P2O7, तो ये इसका स्ट्रक्चर था फॉस्फोरस, ठीक है डबल बॉन्ड ये ऊपर O, ये क्या था OH था, ठीक और ये आपका था OH, यहाँ पे था O कॉमन, यहाँ पे था फॉस्फोरस, यहाँ पे था डबल बॉन्ड O, यहाँ पे था OH और यहाँ पे था OH, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है तो ये ध्यान में रखना है, POH PP बॉन्ड इस तरीके से करके इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटीजर टाइप भी यदि बनना रहा तो कभी कभी बन सकता है आपका, यदि चैप्टर वाइज टेस्ट रहा तो, ठीक है क्योंकि इसमें तो बनना मुश्किल होता है तो कहीं से स्ट्रक्चर से ही उठा लिया जाता है, ठीक है तो ये आपका है। इसका प्रिपरेशन यदि हम बात करें, ठीक है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ठीक है, तो ये क्या होगा, बाय हीटिंग एन इक्विमोलर मिक्सचर, बाय हीटिंग एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑर्थो ऑर्थो एंड मेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ठीक है एट 100 डिग्री C, ठीक है दोनों को क्या करना है मिलाना, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा H3 ऑर्थो H3PO4, ठीक है साथ ही साथ HPO3, कितने पे मिला रहे हैं भाई, तो 100 डिग्री C पे मिला रहे हैं, क्या बनेगा H4P2O7, एक तो ये तरीका, दूसरा ये ए ठीक है दूसरा, ठीक है बाय हीटिंग फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड ठीक है एट एट 250 डिग्री C, ठीक है 250 डिग्री C पे हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2H3PO4, ठीक है 2H3 सॉरी 2H3PO4 को हीट कर रहे हैं ना, हीट करेंगे हम लोग कितना पे 250 डिग्री C पे, तो ये बन जाएगा आपका H4P2O7, ये बन जाएगा ठीक है, ये बन जाएगा, ये रहा इसका प्रिपरेशन। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ, प्रॉपर्टीज इसका बहुत ज्यादा नहीं है, प्रॉपर्टीज ठीक है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या लिखना है, कुछ फिजिकल पॉइंट लिख देना है, जैसे कि ये क्या होगा व्हाइट होता है, व्हाइट इज अ व्हाइट ठीक है इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक है विच इज सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर ठीक है हावेवर इन एक्वस,
एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन इज गेट्स, ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड, ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू इनटू H3PO4 एंड द रेट ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन ऑन हीटिंग, ठीक है, ऑन हीटिंग इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है। तो कैसे होगा भाई यहाँ पे रिएक्शन, H4P2O7, ठीक है, प्लस क्या होगा ये वाटर, ठीक, और ये बनेगा क्या 2H3PO4, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होगा एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट में क्या होगा भाई, ये हो जाएगा H2P2O7 को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे रेड हॉट, रेड हॉट, ठीक है, रेड हॉट कर देंगे, ठीक, ठीक है। तो ये रेड हॉट हम कर देते हैं, और रेड हॉट करने पर ये अपने को क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा 2H2PO3 और साथ ही साथ ये वाटर अपने को, ठीक। तो ये हो गया एक्शन विद हीट, आगे देखेंगे एसिडिक नेचर, सब वही है, सेम पैटर्न पे चल रहा, ठीक है। तीसरा क्या देखेंगे, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, इट इज टेट्रा बेसिक एसिड, ठीक है, क्योंकि चार यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देखोगे ना यहाँ पे देखो चार आपको हाइड्रोजन नजर आएंगे, ये चार ओएच ग्रुप लगे हुए, तो ये टेट्रा बेसिक हो जाएगा, यहाँ से भी ये निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, टेट्रा बेसिक हो जाएगा, ठीक है, टेट्रा बेसिक। तो क्या बोलेंगे, इट इज टेट्रा बेसिक एसिड, इट इज टेट्रा बेसिक एसिड, ठीक है, टेट्रा बेसिक एसिड, बट गिव्स ओनली टू सीरीज, खास बात यही है, चार निकलना तो चाहिए, अभी ऊपर में नजर भी आया, बट गिव्स ओनली, ठीक है, टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, केवल दो ही सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है, और वो एग्जांपल के तौर पे कौन सा है, Na4P3O7, जिसको नॉर्मल सॉल्ट, ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट एंड Na2H2P2O7, ठीक है, P2O7, और ये क्या है, डाई एसिड सॉल्ट, ठीक है, ये क्या है, डाई एसिड सॉल्ट, ये जहां पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये आपका, और ध्यान में रखना है, ये इस तरीके से फॉर्म करता है, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन
खास बात यह है, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, ठीक है, देन ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्लियर है। अब चौथा पे आते हैं, फोर्थ क्या बोलता है ये, इट नाइदर पोजेसेस ऑक्सीडाइजिंग नॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग, हम ऑक्सीडाइजिंग की बात करें तो ये नहीं शो करता है, और बात करें रिड्यूसिंग की तो ये भी शो नहीं करता, ठीक है। पांचवा बात करें तो इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू, पांचवा में क्या लिख देंगे डायरेक्ट, वो तो पढ़ चुके हैं मोनोबॉर्डियम के साथ, ठीक है, तो वही चीज, सेम चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे बस लिख देते हैं इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड Bond, ठीक है, टू एमोनियम मॉलीबडेट, ठीक है, मॉलीबडेट टेस्ट, ठीक है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट ऑफ, ठीक है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट फॉर ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है, तो ये है। तो इस तरीके से ये भी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी टेस्ट आपको एक मिल जा रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलते हैं और अब हम लोग देखेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इस सीरीज का लास्ट जो है अपने को पढ़ना है वो यही पढ़ना है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। पांचवा आपका आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मेटा फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर क्या, सॉरी ये क्या होगा, HPO3 स्ट्रक्चर बता दिए थे शुरू में ही, बताया था ना HPO3 का, हाँ, तो अब डायरेक्ट इस पे हम बात करते हैं, सबसे पहले किस पे बात करेंगे, प्रिपरेशन पे, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन, तो सबसे पहला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे बाय डिजॉल्विंग P2O5 इन कोल्ड वाटर, ठीक है, बाय डिजॉल्विंग P2O5 इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, P4O10, ठीक है, प्लस 2H2O और कितना टेम्परेचर 0°C, ठीक है, बनेगा क्या 4HPO3, ठीक है, ये थोड़ा सा लो काम कर रहा है, तो फिर से ओपन करना पड़ेगा, नॉट रिस्पॉन्ड,
है, H3PO3, ये आपका बनेगा। ठीक है, दूसरा जो है प्रोसेस, दूसरा क्या प्रोसेस है, दूसरा बोलता है कि बाय हीटिंग ऑर्थो एंड पायरो को हीट करेंगे तब। ठीक है, बाय हीटिंग बाय हीटिंग ठीक है ऑर्थो और पायरोफॉस्फोरिक एसिड ठीक है एट 600°C इस पे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, H3PO4 को जब हम लोग 600°C पे करते हैं क्या बन जाएगा, HPO3, साथ ही साथ बनेगा H2O ठीक, और यहाँ पे होगा H4P2O7 और सेम इतना ही पे हीट करेंगे तो ये बनेगा 2HPO3 और साथ ही साथ बन जाएगा H2O, ये बनता है। ठीक है, ये आपका बनता हुआ नजर आएगा। अब बी हो गया, सी में आप चलते हैं आगे, क्या इसका प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, सी तो सी बोलता बाय हीटिंग क्रिस्टलाइन फॉस्फोरस एसिड, क्रिस्टलाइन फॉस्फोरस एसिड ठीक है विथ Br2 ठीक है Br2 के साथ करते हैं तो क्या आएगा रिएक्शन, H3PO3 ठीक है प्लस बेटा Br2 ठीक है और ये बनेगा क्या, ये बनेगा आपका HPO3 साथ ही साथ 2HBr, रिएक्शन रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन रिपीट हो रहा है। डी आते हैं, बोलता है बाय हीटिंग NH4 होल टू HPO4 HPO4 ठीक है इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है NH4 का होल टू PO4 ठीक है और ये हम लोग हीट कर दिए, ठीक है हीट किए तो क्या बन जाएगा HPO4 ठीक है HPO4 प्लस 2NH3 प्लस वाटर, ये बनता है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर्टीज। आई थिंक थोड़ा सा जो है ना कुछ कुछ चीजों को डिलीट कर देने से ये अपना जो है थोड़ा फास्ट काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा
चलिए अब आई थिंक थोड़ा जो है वो आसानी से काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है। लास्ट आज ग्रुप 15 जो है वो अपना आज खत्म हो जाएगा, थोड़ा तो और बाकी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज बोलता है कि ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी है, ट्रांसपेरेंट ठीक है, ग्लासी है, ठीक है, सॉलिड, क्लियर। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड, एंड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ग्लेशियल, ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड, ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, डेलिक्विसेंट सॉलिड होता है, ठीक है, डेलिक्विसेंट सॉलिड होता है, सॉल्युबल, सॉल्युबल इन इन वाटर, आज ये रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। सॉल्युबल इन वाटर एंड डिजॉल्व्स विद एंड डिजॉल्व्स विद विद डिजॉल्व्स विथ क्रिएटिंग साउंड, क्रिएटिंग साउंड, ठीक है, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग H3PO4, ये ठीक है, आ रहा बात समझ में, क्लियर। और खास बात इसमें ये है, तीसरा यदि हम रिएक्शन क्या हो जाएगा इसमें, HPO3, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर क्या बना देगा, बॉईल करेंगे इसको हम लोग, बॉईल करेंगे क्या बना देगा, H3PO4, ये बनता है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, तीसरा जो है वो स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड के तौर पे काम आता है, लास्ट पॉइंट बस इसका बचा हुआ, ठीक है। ये क्या हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, ये क्या है, ये तो ये जो है फेयरली स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक होता है, ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा, इट इज फेयरली स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड एंड फॉर्म्स सॉल्ट्स नोन एज मेटाफॉस्फेट, ठीक है, मेटाफॉस्फेट दैट इज NaPO3, ठीक है, दैट इज NaPO3, ऑल्दो मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज रिटेन एज अ मोनोमर, ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, मोनोमर, लेकिन नाइदर द एसिड नॉर इट सॉल्ट आर मोनोमेरिक, ना तो उसका एसिड और ना ही उसका सॉल्ट जो है वो मोनोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम बिटवीन ऑक्टाहेड्रल POP लिंक्स, ठीक है, गिव्स राइज टू चेन और रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर बनता है, वो बनाते हैं अभी, ठीक है। फ्रॉम कैरोस्कोपिक स्टडी इट हैज बीन कंफर्म दैट द एसिड एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर, यानी एसिड किस में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर में, ये चीज ध्यान में रखना है। अभी जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ
साइक्लिक ये आपका तीसरा पॉइंट है जो हम लोग पढ़ रहे थे। मैं अभी जो बात अभी हम आपको बताएं वो आप नोट करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक मेटा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, दैट इज एच पी ओ थ्री, ठीक है। अब ये किस तरीके से आपको नजर आएगा, इट गिव्स एज, ठीक है, किस तरीके से नजर आएगा, देखिए स्ट्रक्चर पहले ही बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार बता रहे हैं, ये पी डबल बॉन्ड ओ, ये रहा ओ एच, ठीक है, ये कैसा था, एक रिंग के तरह था, यहाँ ओ अल्टरनेट पोजिशन पे पी, ठीक है, फिर यहाँ दे दो ओ, फिर यहाँ क्या आ जाएगा ओ, यहाँ पे क्या आएगा पी, और ये ऐसा, और हर एक पी पे क्या कर दो, एक दो ओ एच और एक डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी क्या दे दो, एक जगह दे दो ओ एच और एक जगह दे दो ओ एच, ओ और ओ एच, ठीक है, ये आपका बनेगा, ठीक है। अब ये आयंस में कैसे नजर आएंगे, तो ये आयंस में सब हाइड्रोजन हटा दो फिर से वैसे ही बना दो, ठीक है, कैसे बनेगा ये, सबका कुछ नहीं करना, आयंस में आपको क्या करना है, सबका हाइड्रोजन करके स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर जो बनेगा सब हाइड्रोजन माइनस थ्री एच करके जो है वो आप यहाँ पे बनाएंगे कुंवर के तौर पर, ठीक है, सेम आपका बनेगा। और आगे यदि हम बात करें, ठीक है, कौन सा सोडियम साइक्लो ट्राइफॉस्फेट जो है, ठीक है, कंटेन्स साइक्लिक, ये वाला जो है अपना कौन सा एन ए एन ए थ्री, ठीक है, पी थ्री ओ नाइन, ये, ठीक है, कंटेन्स करता है, ये क्या कंटेन करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी थ्री ओ नाइन का पावर, ठीक है, माइनस थ्री, ठीक है, इसमें ये एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब कंटेन ये करता है आयंस को, ठीक है, जो सोडियम साइक्लो टेट्राफॉस्फेट, ठीक है, और ये एन ए फोर नाम हम बोल रहे हैं, सोडियम साइक्लो टेट्राफॉस्फेट एन ए फोर, ठीक है, पी फोर ओ ट्वेल्व, ये, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये कौन सा आयन, ये आपको नजर आएगा कंटेन किए हुए नजर आएगा पी फोर, ठीक है, ओ ट्वेल्व, ठीक है, और यहाँ पे फोर माइनस, और ये जो है वो किस तरीके से वो स्ट्रक्चर में नजर आते हैं, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये देखो पी डबल बॉन्ड ओ, ये रहेगा ओ, फिर रहेगा पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ रहेगा ओ माइनस, यहाँ रहेगा ओ माइनस, यहाँ रहेगा ओ, यहाँ रहेगा ओ, यहाँ रहेगा फिर से पी, यहाँ क्या रहेगा पी, फिर से यहाँ क्या रहेगा ओ, और यहाँ रहेगा ओ माइनस, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा ओ माइनस, और ये डबल बॉन्ड ओ, और ये डबल बॉन्ड ओ, ये बनेगा आपका, ठीक है, कितने बन रहे हैं, चार तीन सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, देखो ये वाला जो है पी फोर ओ टू। तो इस प्रकार से हैलाइड वगैरह तो पहले देख चुके हैं, तो इस प्रकार से जो है, ठीक है, पूरा का पूरा आपका जो है ग्रुप 15 समाप्त होता है। ग्रुप 16 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और पहले ही स्टार्ट हो जाता है लेकिन चूंकि लिखने में जो है थोड़ा सा टाइम चला जाता है इसमें, और ये बोर्ड तो है नहीं थोड़ा स्पीड लिख सके, इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी इसमें कम हो जाता है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ आपका कवर करते हुए ये आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका जो है ग्रुप 15 जो है आपका ख़त्म होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये सारा कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में भी ये सारा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो एक एक चीज़ अच्छे से नोट्स बना लेना है,
तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, ग्रुप कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 16 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।